हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का जो असाइनमेंट आया हुआ है। ये पहला असाइनमेंट है जो कि फरवरी मंथ में आया हुआ है, ठीक है। तो आज का वीडियो क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, उसका आंसर लेकर हम आप लोगों के लिए आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। इससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके असाइनमेंट से संबंधित और आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो भी न्यूज़ होगा और वीडियोस होंगे आपके असाइनमेंट से संबंधित हर एक सब्जेक्ट के, तो वो हमारे चैनल पर अपलोड जब भी करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए आप साथ ही सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे, ओके। और यदि स्टूडेंट्स, आप सभी इस वीडियो का यानी इस इंग्लिश सब्जेक्ट का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सर्कल 24 से ज्वाइन कर आप वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, ओके। तो चलिए देखते हैं आपको इसमें असाइनमेंट में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसको आंसर कैसे लिखना है। ये आपका पहला असाइनमेंट है, तीन असाइनमेंट आपको लिखना है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, हम आपको जो इसके बाद भी जो नेक्स्ट मंथ में आपके असाइनमेंट आएंगे उसके लिए भी हम आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे, ओके। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गावस्कर ब्रेक हिज मदर्स न्यूज, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे कि गावस्कर की माँ का न्यूज मीन्स कैसे ब्रोक हुआ, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका आंसर है, देयर हाउसेस हिज मदर यूज्ड टू बॉल हिम वन डे गावस्कर हिट वन स्ट्रेंज बैक एंड कॉट। गावस्कर वॉज प्लेइंग द डेली क्रिकेट मैच विथ हर मदर इन द स्मॉल गैलरी ऑफ हर बैंग ऑन द नोस, ठीक। तो इसका आंसर ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द पोयम लेशर्स वाई इज दिस लाइफ अ पुअर लाइफ, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे, इन द लास्ट कपलेट ऑफ द पोएम लेशर्स द पोएट डब्ल्यू एच डेविस कॉल्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन्स टू बी पुअर। ही कंक्लूड्स दैट द लाइफ ऑफ ह्यूमन आर पुअर एज दे हैव नो टाइम टू ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड, दे डू नॉट स्पेंड टाइम पेरिशिंग और ऑब्जर्विंग नेचर, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लें, आप इसके क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ से लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और आपको आपके सभी असाइनमेंट के आंसर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें, इससे पहले भी कुछ वीडियो डाल दिए गए हैं और कुछ दिन में कल परसों तक आपके और भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, ठीक है, ओके। इसके आंसर लिख लेंगे आप, इसका जो सेकंड का आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसका क्वेश्चन और आंसर आप यहाँ से नोट कर लें, ठीक है। और आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर है, राइट फोर लाइन्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर दिस रीड द लेशन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपके फोर लाइन्स प्रिपरेशन के लिए लिखना है, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो उसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, ओके। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लें और ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।